तगड़ा एडवेंचर। ये रहा शक्कर मरने के चक्कर में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों हमारा मैगी रेडी हो रहा है इधर। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल दान एक्स मोटिव। तो हम लोग अभी आज जाने वाले हैं कोलाखाम, जो लाभा में स्थित है, जो कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में है। सो वहां पर हम लोग कैंपिंग करने की कोशिश करेंगे, अगर कैंपिंग करने देगा तो ना। तो ये रहा हमारा साथी लोग, ये हमारा एक लौता ड्राइवर, ये दारू पी के टल्लू होगा तो हमारा जिंदगी बर्बाद। तो चलो मजा करते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो पे। सो दोस्तों चलो, ये कशियावाड़ी है नीचे। सो दोस्तों हम लोग थोड़ा देर यहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुका था, तो यहाँ का बहुत सुंदर सी व्यू है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये जो रास्ते का जो व्यू है, ये देख भाई नीचे देख, बहुत सुंदर सी व्यू है। ये मोटा मोटी यहाँ से लाभा आपका मोटा मोटी, यहाँ से लाभा मोटा मोटी आपका 20 किलोमीटर जैसा है। तो यहाँ पर हम लोग रुके हैं, उधर नीचे भी व्यू है सुंदर सा। ये सब लोग वीडियो करने के लिए बेताबू है। सो दोस्तों बने रहिए, बहुत मजेदार सी ब्लॉग, फाड़ू वाला ब्लॉग होने वाला है, फोटो सेशन भी चल रहा है, तो चलो। सो दोस्तों मतलब थोड़ी देरी पे हम लोग यहाँ का कोलाखाम का रास्ता में घुसने वाले हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग कोलाखाम की जाने के जो रोड है, ये चेक पोस्ट है, ये चेक पोस्ट पे है। ये रहा लाभा जीरो, मतलब लाभा पहुंच गया हम लोग। यहाँ पर गेट 120 रुपया करके टिकट पड़ता है, 120 रुपया करके टिकट। तो दोस्तों हम लोगों का और थोड़ी दूरी पे मोटा मोटी कितना किलोमीटर भाई, 15 किलोमीटर, 13-14 किलोमीटर के दूरी पे है। ये रहा कंचनजंगा का व्यू इधर, और ये रोड पे बहुत सारा गाड़ी जा रहा है, हम लोग थोड़ा सा फोटो वोटो खींच के जाएंगे। ये रहा कंचनजंगा, वो रहा कंचनजंगा। सो रास्ता बहुत खराब है भाई, संभल के तो चलो एंजॉय कीजिए। सो दोस्तों और थोड़ी देरी पे हम लोग छंगे वाटरफॉल पहुंचने वाले हैं। ये रहा यहाँ से छंगे 4.75 किलोमीटर है। ये जो रास्ते बहुत सुंदर है, क्या बोलते हैं पब्लिक। खतरनाक वाला टर्निंग रे दोस्तों, राइडर लोग जा रहा है, कहाँ से आया है, कलकत्ता वगैरह से आया है ना इसका। ओ फुटबॉल खेला चल रहा है नीचे। सो दोस्तों छांगे वाटरफॉल का जो रिवर है, यही रिवर नीचे जाके छांगे वाटरफॉल बना है, ये रिवर। सो हम लोग पहुंच ही गए लगभग दोस्तों, यही रोड है छांगे वाटरफॉल के लिए। सो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा छांगे वाटरफॉल के ऊपर थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं पैदल पैदल टहल रहे हैं। ये रहा लॉन्डे रॉक, वही जो भी है आप लोग समझ गए होंगे। देखो ये लॉन्डे लोगों का समावेश है, तो हम लोग ये फोटो शूट भी करेंगे हम लोग। और टहल क्या बोले, इधर का जो नेचर का जो एक अलग सी वाइब है ना, वो मनमोहित कर देगा। नेचर का वाइब क्या होता है वो, अरे कंफ्यूज क्यों करता है भाई, नेचर का वाइफ क्या है ये लोग का। ओ यार क्या सुंदर नजारा है, देखो आपको ये। सो दोस्तों हम लोग टेंट लगाने जा रहे हैं, ये है छांगे फॉल का रोड, ऊपर से आया हम लोग, वहां पर हम लोग गाड़ी रख दिया
और ये हमारा कुछ सामान, ये और ये हम। तो बहुत मुश्किल है कैंपिंग करना, लेकिन करना पड़ेगा हम लोगों को। तो आइए मजेदार सी ब्लॉक पे रखिए। तो कैसा लग रहा है एडवेंचर? हाँ सिद्धार्थ है कैंपिंग, कैसा लग रहा है एडवेंचर? हाँ सो दोस्तों, ये रहा शॉर्टकट मारने के चक्कर में ज्यादा मेहनत कर रहे ये लोग। वाह सिद्धार्थ कैसा लग रहा है एडवेंचर? उधर से डालेंगे नीचे। दोस्तों मेरा वो क्या बोलता है, ये मेरा हाथ का जो सामान था वो चेंज हो गया, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके सब लोग चल रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा भारी था। ये रहा ये चिकन का, ये रुकने का, ये सब कुछ। तो दोस्तों हमारा कैंपिंग थोड़ी देर में लगने वाला है, हम लोग देख ही सकते हैं। चलो सो दोस्तों आप लोगों को वाइप का ये आवाज कैसा लग रहा है? ये रहा झरना। सो दोस्तों फाइनली पहुंच गया, फिर मैंने ये पर्स ये वाला कार्टून ले लिया ब्लैंकेट वगैरह का। I would never wait for something to let it go to waste with everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just hit ground running, closing off all the world. तो दोस्तों हम लोगों का कैंपिंग रेडी हो गया। ये रहा टेंट, ये चादर वादर है कुछ घर से लेके आया, कुछ कुछ यहाँ से ले लिया। तो यहाँ का ये झरना, थोड़ा सा रात का सीन है ये, सुबह सुबह आपको अच्छे से दिखेंगे। और ये रहा हमारा ट्रेन, और ये नेचर का व्यू। सो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आइए। ये है आपका छंगे वाटरफॉल कालिम्पोंग में, लाभा से मोटा मोटी 14 किलोमीटर के डिस्टेंस में। बहुत बढ़िया कैंपिंग साइट है, आप लोग खुद का टेंट भी लेके आ सकते हैं, बस यहाँ से भी टेंट भाड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग खुद लेके आया। सो दोस्तों हमारा मैगी रेडी हो रहा है, इधर तंदूरी आइटम बैठेगा और इधर मैगी रेडी हो रहा है। तो ये मसाला, ये है लेग पीस, लेग पीस ये पकड़ पकड़ तू मोबाइल, लेग पीस बड़े को तो देखना चाहिए। इधर देखो, इधर देखो, इधर मुझे को देखा मेरे को, लेग पीस, लेग पीस, लेग पीस, चिकन लेग पीस ले पकड़। ए और ये मैगी मसाला, मैगी मसाला, ये लो मैगी मसाला, हो रहा है, हो रहा है। सो दोस्तों ये हमारा तंदूरी चिकन बन रहा है, ये बटर और इधर चिकन तल रहा है। ये रहा ये आप, ये चिकन लगभग हो गया, सारा कंप्लीट हो गया, थोड़ी देर पे हम लोग खाने वाले हैं ये सारा। सो दोस्तों ये हमारा खाना चल रहा है, ये दोस्त लोग खाना कहाँ चल रहा है, ये कुछ और ही चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है। ये आप लोग भी ट्राई कीजिए चिकन तंदूरी। ये सलाद, ये पीनट बटर, ये मेयोनीज, ये चाट मसाला, ये नमक, ये सॉस, बहुत कुछ है ये चिकन तंदूरी। देखिए गाइस
हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग हमरा अखन उठे गेछि मतलब हम लोग अभी उठ गए नीचे ये रहा हमारा टेंट और भाई लोग उठ गया कैसा लगा नाइट कैसा लगा सुदास नाइट कैसा लगा बहुत बढ़िया मस्त सीधा सीधा नींद हुआ रुकना तो ये रहा हमारा पूरा टेंट और सबसे खासियत क्या है बताए आपको ये टेंट के बगल में ही ये छंगे वाटरफॉल्स इतना बड़ा वाटरफॉल्स तो दोस्तों उधर से और अच्छा दिखेगा आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोग रहिए ये रहा छंगे वाटरफॉल ऊपर और भी ज्यादा है वो साइड जाना पड़ेगा तो आप लोगों को जब सूरज उगेगा अच्छे से सूरज दिखेगा तब करेंगे ठीक है। और यहाँ का नीचे का व्यू ये एक ब्रिज है हम लोग वहाँ पर कैंप किया था वो रहा हमारा कैंप टेंट हमारा और ये रहा नदी बहुत शानदार सी नदी है। तो दोस्तों आप लोग आइए एंजॉय कीजिए बहुत बढ़िया लगेगा ये जगह आपको बहुत मतलब पीसफुल है और रात को रुकने का कोई दिक्कत नहीं हुआ कुछ भी चीज़ों का दिक्कत नहीं हुआ बहुत अच्छे से नींद लिया हम लोग और ये लोग अभी बाहर जाएगा तो अभी हम लोगों को ये चप्पल देना होगा मेरे को ले लो थैंक यू वेलकम चलो बाद में सिनेमैटिक शॉट में देखो ये तो दोस्तों हम लोग फोटो सेशन किया ये झरना हम लोग अभी फोटो सेशन करके थोड़ा बहुत आप लोगों को सिनेमैटिक शूट दिया है वो आप देख ही लिए ओके। सो यार मज़ेदार सी ट्रिप है ये तो आप लोग भी आइए कसम से मज़ा आ जाएगा इतना सुंदर प्लेस है ना जो मतलब नेचर का इतना क्या बोले मन तो मोहित हो गया कुछ बोल ही नहीं सकते इतना सुंदर जगह है ये और यहाँ पर कैंपिंग करने का अलग ही इंटरेस्ट है ऊपर से ये बारबेक्यू वाला सेटअप करके खुद का चीज़ बना के खुद का मीट बना के खाने का और ये चिल वाइब हाँसू बहुत हाँसू ये चिल वाइब ये नदी ये झरने ये कैंप। तो दोस्तों फील ही कुछ अलग है। तो दोस्तों हमारा मैगी बनने जा रहा है ये पोर्टेबल स्टोव है तो हमारा चूल्हा चल गया ये हमारा चूल्हा अभी तेल डालेंगे इसमें। सो दोस्तों हमारा मैगी बनने जा रहा है ये गया हमारा तेल अच्छे से आज बनाएंगे। सो हमारा भेजीज डालने जा रहा है भेजीज डाल गया दोस्तों मेरा मैगी मसाला डालने जा रहा है मैगी मसाला। सो दोस्तों हमारा मैगी लगभग रेडी हो गया थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का बनाया लेकिन थोड़ा सा ये और ज़्यादा पकने से ये सूख जाएगा चूल्हा। सो दोस्तों और
है झरना में मैगी खाने का मजा ही कुछ अलग है। तो दोस्तों पहाड़ में मैगी नहीं खाया तो क्या खाया, ये झरना के सामने मैगी खाने का मजा ही अलग है। और मैगी बहुत टेस्टी हुआ। सो दोस्तों ये हमारा मतलब ट्रेन कंप्लीट हो गया, हम लोग उठा लिया और यहाँ का झरने को टाटा बाय बाय कर देते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये दोस्त लोग आगे जा रहा है, हम पीछे पीछे। ओ मजेदार सी ट्रिप था, एक नाइट आप भी आइए, एक नाइट कटाइए ऐसे टेंट में, बहुत मजा आएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा ऐसे नया वीडियो के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।